आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आप सबको पता है बरसात स्टार्ट हो गई है, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है बरसात में वो पकोड़े ही लगते हैं, तो सबके घरों में बनते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पकोड़े, जिसके लिए चार हमने प्याज ले लिए और उनको पहले तो धो लिया, छील लिया और इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा ना उसका हार्ड वाला जो गाँठ सी उसको निकाल दिया। तो सभी जितने भी प्याज है इसी तरह से हमने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसको काट लेते हैं और आप जितने पकोड़े बनाना चाहो उस हिसाब से प्याज कम ज़्यादा ले सकते हो। तो इस तरह से पतले पतले से काट लेने हैं हमने। और अभी हमने क्या करना है, इस तरह से हाथों से इनको अलग अलग कर लेना है, तो बहुत ही अच्छे से लच्छे से बन जाएंगे प्याज के। ये देखिए एकदम से बारीक सारे प्याज हो गए अलग अलग। अभी हमने क्या करना है, अभी इसके अंदर हमने कुछ मसाले मिलाने हैं। सबसे पहले तो हल्दी, तो 1/4 चम्मच हल्दी मिला देते हैं। और ये मिलाएंगे कुटी लाल मिर्च और ये हम 1 चम्मच मिलाने वाले हैं। तो मिर्च भी हमने मिला दी। अभी हमने इसके अंदर मिला देना है गरम मसाला, तो 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। और खटाई हल्की सी अच्छी लगती है, थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाता है। और ये हमने 1 चम्मच अजवाइन ले ली, हाथों से थोड़ा सा क्रश कर ले से ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए, तो अजवाइन भी डाल दी। अब इसके अंदर जाएगा 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर भी मिला दिया हमने। और अभी बारी है बेसन की, तो अभी हमने बेसन मिलाना है, तो हमने 2 बड़े चम्मच भर के मिला दिया बेसन। और साथ ही साथ हरी वाली प्याज जिसको स्प्रिंग अनियन बोलते हैं वो मिला दिया। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना भी। तो नमक को छोड़ के बाकी हमने सारी तैयारी कर ली है। नमक तभी मिलाना है जब पकोड़े बनाने हैं, तो ये मिश्रण हमने तैयार कर लिया। ये देखिए अभी हमने थोड़े से पनीर के पीसेस ले लेने इस तरह से, तो थोड़ा सा नमक मिला दिया और साथ ही साथ थोड़ा सा ही गरम मसाला, थोड़ा सा ही हमने कुटी लाल मिर्च मिला दी। तो अच्छे से इसको हमने मिला लेना है पनीर के अंदर मसाले को, इस तरह से टॉस कर लीजिए। अभी हमें चाहिए बेसन, तो ये हमने ले लिए 3 से 4 चम्मच बेसन के, थोड़ा सा नमक, अच्छे से मिक्स किया। और ये साथ ही साथ हम कॉर्नफ्लोर भी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर मिला दिया। अच्छे से अभी मिक्स कर लिया, तो गाढ़ा सा बैटर बना लेना हमने इसका। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी मिला सकते हो। तो इस तरह से हमने बैटर तैयार कर लिया। ये देखिए तो जो अभी ये हमारा मिश्रण है ना प्याज वाला, इसके अंदर थोड़ा सा नमक अभी मिला देते हैं, क्योंकि पहले तो हमने नमक नहीं मिलाया, तो अभी लास्ट में नमक मिलाना है जब पकोड़े बनने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, तभी हम मिलाएंगे नमक इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सभी प्याज के अंदर। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है पकोड़े बनाने के लिए। और अभी हमने क्या करना फ्रेंड्स, जो पनीर रखा ना वो ले लेना है और जो घोल रखा है वो ले लेना है। पहले तो एक पीस पनीर का उठा के घोल के अंदर डिप करें और इस तरह से चम्मच से इसको उठा के, और जो हमने प्याज बनाया ना इस तरह से इसके अंदर मिला दीजिए और आसपास से प्याज उठा के, और इसको अच्छे से जिस तरह से लड्डू बनाते हैं ना इस तरह से बंद कर लीजिए। ये देखिए अगर आपसे एक हाथ से अच्छे से ना हो तो इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से बंद कर लीजिए, लड्डू की तरह बना लीजिए। इसी तरह मैंने सारे बॉल्स बना लिए। ये देखिए तो अभी हमने इनको करना फ्राई, तो कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, और मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, गैस मीडियम कर देनी है अभी गर्म करने के बाद। तो अभी एक एक करके सारे अपने जो बॉल बनाया ना वो मिला दीजिए,
और एक साइड जब हो जाए इन्हें पलटी लगा दीजिए इस तरह से। और ये सरसों का तेल है ना, जो ओरिजिनल तेल होता है उसमें से हल्की सी झाग निकलती है, इसलिए इसके अंदर से झाग निकल रही है। तो ये देखिए बहुत ही ऊपर से जब कुरकुरे से हो जाए ना, तो गैस मीडियम ही रखनी है। तो जब इस तरह से हो जाए तो इन्हें बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो चुके, अभी इन्हें निकाल देते हैं। और ये देखिए हमारे पकोड़े गर्मा गर्म तैयार हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो बाहर से हैं ये कुरकुरे और अंदर से हैं सॉफ्ट, और साथ ही साथ पनीर का टेस्ट भी आएगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी रेसिपी को लाइक करें। और बरसात में पकौड़ों को खूब इंजॉय करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।